खबर आ रही है गंगापुर सिटी से, जहां देश में आज दूसरे चरण के चुनाव जारी हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। ऐसे में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही लगातार जारी है। बात की जाए लोकसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी की, तो सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। ऐसे में गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी और SP सुजीत शंकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान केंद्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से संयुक्त निरीक्षण किया है। वहीं मतदाताओं के लिए जागरूक एवं भयमुक्त माहौल तैयार कर निडर होकर स्वतंत्र रूप से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई है, जिसमें जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित मतदान सुनिश्चित किया जा सके। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। हमारे पास टोटल 264 PSL, उसमें हमने लगभग 232 पे एक्स्ट्रा जॉब पे डिप्लॉय कर रखा है। हमारे पास ERTs मूव कर रही है जो SHOs के पास है। असेंबली वाइज हमारे पास 3 की ERTs है जो हर असेंबली में मूव कर रही है। साथ साथ जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रिजर्व में 75 लोग हैं जो हमने अलग अलग पॉइंट पे डिप्लॉय कर रखा है और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सारे लोगों का काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान हो भी है। हैप्पी आर का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से मतदान हो रहा है। 7 से 10 बजे का जो समय है, जैसा कि हम जानते हैं कि क्योंकि थोड़ा गर्मी का समय है तो सबसे अनुकूल जो समय है वो ये समय है 7 से 10 बजे का, जिसमें बेसिकली काफ़ी जगह पे हम लोग पौधारोपण भी कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको भी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से। हमारी तरफ से भी ये है कि जो भी लोग 7 से 10 बजे के बीच में मतदान करेंगे और हमारे अकाउंट को जो टैग करेंगे ट्विटर पे या फेसबुक पे, तो हम भी उनका शेयर करेंगे फ़ोटो और हम राज्य स्तर पर भी उनका फ़ोटो शेयर करके ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले। इसके अलावा बेसिकली MPR में आने के आने का फ़ायदा ये भी है कि सुबह सुबह आप मतदान करके फिर अपने अन्य कार्य करें, ये भी हमारी तरफ से अपील है। और जैसा कि मैं रिस्पांस देख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग मतदान के लिए सुबह के समय उसमें आ रहे हैं। इससे पहले भी हम एक तो बूथ पर गए थे, वहाँ पर भी मतदान के प्रति